1 जून से शुरू होने जा रहे T20 वर्ल्ड कप 2024 में अब गिनती के दिन बचे हुए हैं, जिस वजह से इंडियन टीम ने सारी तैयारी कर ली है। खबरों के अनुसार आगामी T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया 25 मई को रवाना होगी और इसके लिए बोर्ड ने सारा अरेंजमेंट कर दिया है। लेकिन इन्हीं सब चीज़ों के बीच अब खबर आ रही है कि रोहित शर्मा ने T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए भारत की प्लेइंग 11 तय कर ली है और उसके अनुसार एक खिलाड़ी को पूरे टूर्नामेंट में एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिलेगा। ऐसे में आइए जानते हैं आखिर वह खिलाड़ी कौन है जो अमेरिका जा तो रहा है लेकिन सिर्फ पानी पिलाता रह जाएगा। मीडिया रिपोर्ट से मिली जानकारी के अनुसार रोहित शर्मा ने T20 वर्ल्ड कप के लिए भारत की प्लेइंग 11 तैयार कर ली है और उसके अनुसार अक्षर पटेल प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं हो सकेंगे। रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि हिटमैन ने प्लेइंग 11 में बतौर स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा को मौका देने का फैसला किया है। बता दें कि IPL 2024 में रविंद्र जडेजा ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है और साथ ही उन्हें कई ICC टूर्नामेंट का अनुभव है, जिस वजह से रोहित शर्मा वाकई जडेजा को प्राथमिकता दे सकते हैं। हालांकि अभी तक आधिकारिक तौर पर इसका ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन कई रिपोर्ट्स ने ये भी दावा किया है कि हिटमैन ने प्लेइंग 11 तैयार कर ली है। उसके अनुसार जडेजा कुलदीप चहल स्पिनर के तौर पर खेलते दिखाई देंगे। मालूम है कि T20 वर्ल्ड कप टीम इंडिया को अपना पहला मैच 5 जून को आयरलैंड टीम के साथ खेलना है। रोहित शर्मा के बारे में आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।